भाई बात बात पे ब्लॉग बनाने क्यों आ जाता है यार? कंटेंट भाई थोड़ी सी प्राइवेसी भी छोड़ा करो। मैं अभी सबको ये बोलूंगा कि मेरी तबीयत खराब है और मेरे वैलेंटाइन डे कुछ नहीं है। फिर रात को जैसे 2-3 बजे सब सो जाएंगे, मैं कपड़े पहन के निकलूंगा हॉस्टल के बाहर। कि उसने ब्लॉक कर दिया था? सॉरी तू लिखता गया लेकिन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन से तुम इंतजार कर रहे थे एक व्लॉग आ जाए तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए, तो मैं लेके आ गया हूँ एक नया व्लॉग। इस व्लॉग में हम क्या करेंगे, हर IIT के रूम में रेड मारेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके वैलेंटाइन वीक के क्या प्लान है, और अपने वीडियो में जो बेस्ट पार्ट लगे वो कमेंट जरूर करना। तो बस मिलता हूँ आपको एंड में। तो सबसे पहले चलते हैं ओम के पास। अच्छा, ओम से पहले प्रत्युष मिल गया। ओए रुक तो सही, ओए चलना चू। इग्नोर भाई इग्नोर, प्रत्युष ने भी इग्नोर कर दिया। ओए उठना अबे, ओए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो तेरे वैलेंटाइन के प्लान्स बता। मस्त सोएंगे एकदम। अबे हाँ, तू दो लोगों का इंस्टा वो ब्लॉक करवा चुका जो कमिटेड है। यस। ऐसी फोटोज भेजता है कि उनको कहता है कि मेरे को भेज दोबारा, फिर उनके वो इंस्टा बैन करवाता है। अब इस कमरे में देखते हैं भाई, बात बात पे ब्लॉग बनाने क्यों आ जाता है यार? कंटेंट भाई, थोड़ी सी प्राइवेसी भी छोड़ा करो। यार वीडियो कार्ड वापस इस बार सही में बढ़िया जाओ। हाँ नोटबुक ले आ, जैसे कि पढ़ रहा था। रुक, ये ऐसे देख, पहले बता दिया अगर हम नोटबुक और फोन आप डिस्कस करते हैं। बंद कर यार, मैं ऐसे साला वो नोन करता है ये वीडियो, अगर ये वीडियो डाल दी ये तो ब्लूपर है, ब्लूपर। अब आऊं क्या दोबारा? कसम से रिपोर्ट कर दूंगा। अबे अब दोबारा आऊं क्या? नहीं सर। अबे जल्दी कर लो ना। ये सही गेट खोल गया ना। ठीक टीपू, तू क्या कर रहा है? ये फ्री फायर खेल रहा है। अबे फ्री फायर कौन खेलता है? फ्री फायर भाई प्रोलो खेलते हैं सिर्फ। और वो कौन सा एक क्वेश्चन भी था ना इसके अंदर भाई, पढ़ने वाले बच्चे हैं आप। स्पेस वाला शायद, उसमें वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। अच्छा अबे हाँ, वो मैं पूछ रहा था कि तुम्हारे वैलेंटाइन के क्या प्लान्स है, एक बार बताओ। पहले तो ये बड़ा वैलेंटाइन डे क्या होता है? क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। भाई हमारा तो ब्लैक डे है, 14 तारीख को ब्लैक डे भाई। बसंत पंचमी में सरस्वती माता की पूजा करेंगे। उधर एक फोटो, माँ सरस्वती की फोटो लगा रखी है। ये रही भाई, एक बार रेशियो बताइयो तू कैंपस में। रेशियो किसका? गर्ल्स इज टू बॉयज, 1:10 है ना। तो यार अगर तुम्हें भी IIT में आके वैलेंटाइन मनाना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो JEE एडवांस को अच्छे से क्वालिफाई करना होगा। और अब JEE एडवांस को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें उसके PYQs को अच्छे से बारीकी से सोल्व करना होगा। तो तुम्हारी इसी डिमांड को पूरी करने के लिए PW लाया है तुम सबके लिए PYQ बुक्स, 46 ईयर JEE एडवांस PYQs। तो अभी मेरे पास तुम देख सकते हो मैथ्स के हैं और फिजिक्स के हैं मेरे पास, ऐसे सिमिलर केमिस्ट्री के आएंगे। तो अब मैं तुम्हें इनके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एक बुक फिजिक्स की आई हुई है और एक है मैथमेटिक्स की। तो सिमिलर टाइप के फीचर्स होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कैसे क्या है। देख सकते हो 46 ईयर्स, 1978 जब सब्जेक्टिव होता था तब से लेकर 2023 तक चैप्टर वाइज एंड साथ में टॉपिक वाइज सोल्व पेपर्स है अपने पास। तो ऐसे ये बुक ओपन होती है, प्रीफेस वगैरह। यहाँ पे तुम देख सकते हो एनालिसिस वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही अच्छे से दे रखा है, क्लासिफाई कर रखा है इजी मीडियम हार्ड टाइप से। और यहाँ पे तुम देख सकते हो रजिस्टर कैंडिडेट, और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने पेपर दिया और कितनी सीट्स थी उस टाइम IITs की, ठीक है। और तुम ये देख सकते हो जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, इतनी ज़्यादा वो होती है अपने पास यूनिट्स, उनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन था।
या फिर वेटेज वाइज उन्हीं का इजी मीडियम हार्ड उन यूनिट्स में से किस बेसिस पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो तुम देख सकते हो। साथ ही साथ में तुम्हें पता ही एडवांस में मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें किस हिसाब से वेटेज रहा वो देख सकते हो। सिमिलर उसमें तुम डिफ़िकल्टी एनालिसिस, ठीक है, ऐसे ही तुम चैप्टर वाइज भी देख सकते हो कि हर चैप्टर की क्या वेटेज रही। इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर तुम्हें पहले करने चाहिए। जैसा कि तुम देख सकते हो ये चैप्टर तुम्हारे, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इनका वेटेज कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो तुम इन पे फोकस करोगे ज़्यादा। अब देख सकते हो सिमिलर यही है। और यहाँ पे तुम्हें कैंडिडेट मार्क्स मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे तुम्हें स्कोर्स भी मिल जाएगा कैटेगरी वाइज रैंक के हिसाब से। और साथ ही साथ तुम्हें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या वो वेरिएशन रहता है और मेल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए दे रखा है। अब आगे हम बात करें तो तुम देख सकते हो इंडेक्स वगैरह। तो देखो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इस बुक को बाकी बुक से अलग करता है। तुम देख सकते हो क्वेश्चन के नीचे कुछ लिख रखा है CWUA, इसका मतलब यू है कि लास्ट के 11 ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके लिखा गया है कि कितने परसेंट बच्चों ने उस क्वेश्चन को करेक्ट किया, रोंग किया या अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। तो इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हारे एनालिसिस वाले पार्ट में। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे आंसर की दे रखी है, सिमिलरली अदर चैप्टर्स के लिए। और तुम्हें एंड में इसके सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस भी तुम देख सकते हो अच्छे से एकदम दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर फीचर्स तुम्हें फिजिक्स वाली बुक में मिल जाएंगे। तो गाइज मेरी सलाह तो यही रहेगी कि तुम्हें इन बुक्स को परचेज करना चाहिए डेफिनेटली, और इनमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए PYQs की, ताकि तुम्हारी जी एडवांस की प्रिपरेशन बूस्ट हो। अब तुम सोच रहे हो इन्हें लेना कहाँ से है, तो ये तो तुम्हें PW स्टोर में मिल जाएंगी। तुम मेरा कूपन कोड CLR150 यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम ऑफ के लिए, या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में Amazon की लिंक मिल जाएगी, तुम वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पढ़ते रहो। चलो वहाँ तो पढ़ाकू बच्चे थे, अब यहाँ चल के देखते हैं कोई मिल जाए। ओए खौफ क्या कर रहा है, देख ले भाई कितने पढ़ाकू बच्चे हैं। क्या पढ़ रहा है, MTL? नहीं पाइथन। पाइथन बता नहीं दिए कुछ पाइथन में। अच्छा तेरे वैलेंटाइन के क्या प्लान्स है? कपल को मारने हैं। बजरंग दल? कोई प्लान नहीं है, मेरी कोई कपल नहीं है। अरे कोई नहीं है। तेरी कोई कपल नहीं है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सैड भाई सैड। टीनेंट अरे मेरे का मत। ओए तू तो पायथन बढ़ रहा था ना, पायथन बना दूंगा तेरा ऐसा। ओए अरे यार ओए अबे हाँ तू तो पिछले व्लॉग में भी आया था ना। पिछले में क्या लिखा था तूने? अधूरा आशिक। ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा हो गया क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। मैं यू पूछ रहा था तेरे वैलेंटाइन के क्या प्लान्स है। अफसोस से कुछ नहीं है, बड़े खेत के साथ कुछ नहीं। अच्छा कि उसने ब्लॉक कर दिया था, सॉरी तू लिखता गया लेकिन। ओए ध्रुव जाग रहा है, सो रहा है? जाग रहा हूँ। सो जाता हूँ। क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है? मैं ये पूछ रहा था तेरे क्या बोलते हैं वैलेंटाइन के क्या प्लान्स हैं। भाई सोना दिन भर बस, और कुछ नहीं बस। यस सोता तो रोज ही है फिर। ये लड़कियां हम पे तो है ही नो। अस ब्रो अस। सो जा। ये कहाँ गया तेरा सोमदीप भाई? वो लाइब्रेरी में रहता है, एकेडमिक कमबैक के प्लान्स है उसके। अच्छा यस बढ़िया। ओए कर रहा है भाई नया व्लॉग? हाँ मैं वो पूछ रहा था तेरे वैलेंटाइन के क्या प्लान्स हैं। GC में जाऊंगा खेलने के लिए, बंदी तो मिल नहीं रही है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। 10 लाइक कर देना बस भाई। तेरे बता रुद्राक्ष। मेरे तो कोई प्लान नहीं है। प्लान ही नहीं है। और शिवांग चल वेस्ट विंग चलते हैं, साउथ विंग तो मरी पड़ी एकदम।
वेस्ट विंग में होंगे कईयों के प्लान्स, जस्ट लाइक निशांत कैरियर। इतना सच भी नहीं बोलना था वैसे। ब्रो शुड हेजिटेट, ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। चल आगे तू रह, तू गाली मैं खाऊं सबसे। वेस्ट विंग में कितने मरे लोग क्यों हैं? मैं यूँ पूछ रहा था तेरे वैलेंटाइन के क्या प्लान्स हैं? वो क्या होता है? वो मत कर तू, वो इसका रोज क्या है बोल रहा है? नया दिन क्या, नया दिन तो क्या है, एक दिन क्या मनाना? देख साउथ विंग तो देख मरी पड़ी है, किसी का एक भी प्लान नहीं है, तो तेरे से ही उम्मीद है हमें भी। मैं अभी सबको ये बोलूंगा कि मेरी तबीयत खराब है और वैलेंटाइन डे कुछ नहीं है, फिर रात को जैसे 2-3 बजे सब सो जाएंगे, मैं कपड़े पहन के निकलूंगा हॉस्टल के बाहर, पहले हॉस्टल के बाहर फिर पिक करके कैंपस के बाहर। अच्छा ये उसके बाद तो बताइए, पर वापस बताने की जरूरत नहीं है, स्पेशल एपिसोड वाला ये बताएगा भाई। हैंडसम बॉयज वैलेंटाइन के प्लान्स बता, प्लान्स अब सरस्वती पूजा हो रहा है ना, वहां पे जा रहे हैं हम लोग। ये अबे हम भाई एक ऑरेंज कुर्ता पहन लेंगे और स्कार्फ पहन लेंगे और एक बकेट लेके जाएंगे, एक लाठी लेके जाएंगे, बस yes, yes. बजरंग दल भाई तू बता। जैकब भाई कुछ प्लान्स नहीं है भाई, तेरे पास कुछ आइडियाज है? उसकी लड़की तो ही पी नहीं है इसलिए ना, मैं खुद आइडियाज मांगने आया हूँ। जैकब खोल रहा है हर हॉस्टल के आगे किसिंग बूथ, 80 रुपीज पर किस। ओए या है ना, ये है ना इसकी वैलेंटाइन स्टूडियो स्टूडेंट्स, ये देखो क्या कर रहा है, पढ़ाई चल रही है भाई। साले सोलो लेवलिंग देख रहे हैं भाई, है भाई सोलो लेवलिंग 6th एपिसोड। हां हां बढ़िया है, इससे बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। अबे मांगा मानवा पढ़ लो ना तुम, मांगवा नहीं मांगो, बहुत खराब हो जाती है। हां वही। अच्छा हां मैं यूं पूछ रहा था तेरे वैलेंटाइन के प्लान्स है, वैसे तेरे से उम्मीद तो नहीं है मेरे को, लेकिन उदय के साथ जा रहे हैं बाहर? उदय गया है भाई, अभी गया है। उदय के साथ बाहर क्यों जाना, उदय तो रूम पे है अपने वैलेंटाइन डे के लिए। अच्छा तू बता क्या प्लान्स है? नहीं मेरे अभी कोई प्लान नहीं है, प्लान्स के साथ डेट पे जा रहा है। दस्सी लानी है, दस्सी ये सबको आइए, इसके तो प्लान्स ही प्लान्स है, प्लान्स ही प्लान्स है भाई, गरुड़ के दोनों रूममेट एकदम भाई। हाँ वो मैं यूं पूछ रहा था तेरे वैलेंटाइन के क्या प्लान्स है, उसको पूछ, साले का पूछ, उसको पूछ। इसके इसके हां तू बता बता, मेरे कुछ प्लान नहीं है भाई, फोन पे बात करता रहता दिन रात। ओए अब तो बता, अब तो नहीं, बता। नहीं नहीं मेरे कुछ नहीं है प्लान्स, कुछ नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। अच्छा ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है कि नहीं रूममेट से पूछ ले, डिस्टेंस नहीं है, बस बहुत पास से कोडिंग से पे आ रहे हैं। हां हां बढ़िया भाई, तेरा नहीं है कुछ भी? ये अब तो हो गया, अब तो तेरा फेस रिवील हो गया। वो मैं यूं पूछ रहा था तेरे वैलेंटाइन के क्या प्लान्स है? पिज़्ज़ा कर रहा हूं भाई, माइनर आ रहे हैं। अबे तुम सब लोग बढ़ते की हो, वेस्ट विंग में तिवारी मेरा है, देख सम्यक ने चूज कर लिया तेरे को अभी वीडियो में, अब तो वो हो गया। तेरे क्या प्लान्स है वैलेंटाइन के? कुछ नहीं भाई, डीयू जाएगा लंडा, डीयू ये ना जाए, डीयू के लोग इसके साथ ट्रैवल कर लूंगा। सरस्वती पूजा ये तिवारी तो वैसे ही पूजा करा लेता है भाई, सरस्वती पूजा में जाएंगे भाई हम, इसके बाद फिर वहां पे वो भी है, लंच भी है, बस हो गया भाई, प्लान सॉर्टेड है। बॉयकॉट वैलेंटाइन, व्हाट आर योर वैलेंटाइन प्लान्स? वैलेंटाइन प्लान्स आई डोंट हैव एनी, ही इज हैविंग हिज गर्लफ्रेंड इन हैदराबाद। नहीं आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सैड लाइक नो टू Into 3 Into 4 भाई Nothing What about you? Nothing Making videos Nothing ऐसा बोलना पड़ता है ना videos में Motivating are you going to post this on YouTube? Yes No bro मैं यूँ पूछ रहा था तेरे वैलेंटाइन के क्या प्लान्स हैं? मेरे पास नहीं, मुझे कोई वैलेंटाइन नहीं है। तुम लोग कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस ही बोलना है तो गाइस व्लॉग कैसा था कमेंट करके जरूर बताना।
हाँ यार, तो मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय। IIT का व्लॉग देख के मोटिवेट होगा, अब ना करे पढ़ाई, ना माने मोटिवेट होगा ना, अब जाके पढ़ ले।